गाइस, किसने सोचा था कि जिस देश पर अंग्रेजों ने 150 साल तक राज किया हो, आज उसी देश का एक शख्स उन अंग्रेजों पर राज करने वाला है। जी हां गाइस, हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की, जिनका जन्म भले ही ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ हो, लेकिन उनमें एक भारतीय का ही खून है, क्योंकि ऋषि सुनक के दादा और दादी पंजाब से थे। दरअसल ऋषि सुनक खुद को हिंदू मानते हैं और वो एक कृष्ण भगवान के भक्त हैं, इसलिए उन्होंने आज से 7 साल पहले भगवत गीता पर हाथ रखकर ब्रिटिश सांसद के रूप में शपथ ली थी। यही नहीं, ऋषि सुनक ने बोरिस जॉनसन की सरकार में रहते हुए कोविड के टाइम ब्रिटेन के लोगों के लिए खाने और रहने का इंतजाम भी किया था, जिससे ब्रिटेन की जनता बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। और जब फाइनली ब्रिटेन में तख्ता पलट हुआ तो ब्रिटेन के सबसे अमीर प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये सामने आ गए, और वो भी इतने अमीर कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स के पास भी उनके जितनी संपत्ति नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की पत्नी इंफोसिस के को-फाउंडर नारायणा मूर्ति की बेटी है। वैसे गाइस, जो भी हो, लेकिन अब अंग्रेजों पर एक भारतीय ने लगाम कस ली है। इसका क्या परिणाम होगा, यह तो वक्त ही बताएगा, पर आपको यह सुनकर कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।